चिराग पासवान को साथ लेकर पटना पहुंच रहे हैं नड्डा, क्या मिलेगा डेप्यूटी सीएम का पद। बिहार में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोपहर बाद शपथ लेगी। 10 बजे के बाद भाजपा विधायकों के समर्थन पत्र को पार्टी नेतृत्व नीतीश कुमार को सौंपेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता एवं मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर राज्यपाल से नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दोपहर बाद नई सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शपथ लेगी। रात 9 बजे वापस लौट जाएंगे नड्डा। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने विशेष विमान से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंच रहे हैं। नड्डा के साथ चिराग पासवान भी होंगे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा चिराग पासवान को साथ लेकर पटना आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे उनका पटना आने का कार्यक्रम है। रात 9 बजे वापस लौट जाएंगे। रविवार को भाजपा एवं जदयू कोटे से दो दो मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं एक विधायक को जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे मंत्री बनाया जाएगा। 9वीं बार शपथ लेंगे नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पहले त्याग पत्र देंगे, उसके बाद नए सहयोगी दलों के समर्थन के आधार पर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले बुलाई गई जदयू विधानमंडल दल की बैठक में वे उन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे जिनके कारण महागठबंधन से अलग होना उसके लिए जरूरी हो गया था। विधायक दल की बैठक 10 बजे दिन में मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। संभव है कि 11 बजे दिन में मुख्यमंत्री राजभवन जाएं, उसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। नीतीश के नेतृत्व में गठित होने वाली अगली सरकार को भाजपा के 78, जदयू के 45, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 और एक निर्दलीय, कुल 128 का समर्थन प्राप्त होगा।